through an absolute system, employee की performance को एक और तरीके से भी rate किया जाता है, जिसे हम graphic rating scale कहते हैं. ग्राफिक रेटिंग स्केल से भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि कुछ ना कुछ ग्राफिक्स या कोई डायग्राम है जो डेमोन्स्ट्रेट कर रही होती है एम्प्लॉय की रेटिंग को. और मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनाइजेशन में यही यूज किया जाता है कि ग्रिड की फॉर्म में परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं, जिसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ऊपर कुछ स्केल होता है और उनकी बेसिस के ऊपर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेट किया जाता है. और अगर देखें तो वो एक ग्राफ सा बना देता है, एक टेबुलर फॉर्म से बना देते हैं, जिसको हम ग्राफिक रेटिंग स्केल कहते हैं. इसमें बेसिकली जो भी परफॉर्मेंस मेजर हो रही है वो जॉब के जो पर्टिकुलर ट्रेट्स और बिहेवियर्स हैं उनकी बेसिस पे होती है. एक साइट के ऊपर वो क्राइटेरिया जो कि जॉब के ट्रेट्स और बिहेवियर्स को इंडिकेट करते हैं वो मेंशन्ड होते हैं, और ऊपर जो है वो स्केल दिया गया होता है. 1, 2, 3 लिकर्ट स्केल हो सकता है, वो 1 से 5 भी हो सकता है, 1 से 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो मेंशन किया जाता है. एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो जो स्केल यूज किया जाता है, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस स्केल. कॉन्टिन्यूस स्केल का मतलब ये है कि अगर हम एक लिकर्ट स्केल ले लें तो जितना डिस्टेंस 1 से 2 में है उतना ही डिस्टेंस 2 से 3 स्केल में होगा, 3 से 4 में होगा और 4 से 5 स्केल में होगा. यानी कि अगर हम एक एम्प्लॉई को रेट कर रहे हैं 1 पे, तो वो एम्प्लॉई जो 1 पर आ रहा है वो उससे उतना ही 2 से बेहतर है जितना 2, 3 से बेहतर है. एक जो डिस्टेंस है बिटवीन द 2 स्केल पॉइंट्स वो सेम है, उसे हम कॉन्टिन्यूस स्केल कहते हैं. अभी हम इसको जरा चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके से होता है एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू. ये हमारे पास एक ग्रिड है, सबसे ऊपर जॉब रिलेटेड ट्रेड्स लिखे हुए हैं जैसे क्वांटिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क, नॉलेज ऑफ जॉब एंड एटीट्यूड. और ऊपर हमारे पास एक स्केल आ रहा है, अनसेटिस्फैक्ट्री, फेयर, सेटिस्फैक्ट्री, गुड, आउटस्टैंडिंग. इसमें अगर एम्प्लॉय को क्वांटिटी ऑफ वर्क में हम अनसेटिस्फैक्ट्री कह दें, और इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री है वो फेयर से उतनी ही कम है जितनी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस लीडिंग टू फेयर होगी, दैट इज द कॉन्टिन्यूस स्केल. और इसी तरह अब इसके थ्रू पता चल सकता है कि जी फॉर एग्जांपल क्वांटिटी ऑफ वर्क में एम्प्लॉय फेयर था लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क में वो अनसेटिस्फैक्ट्री था, जॉब नॉलेज में वो सेटिस्फैक्ट्री था, एटीट्यूड में वो गुड था, तो हमारे पास ये एक अप्रेजल फॉर्म उसका फिल हो जाएगा और ये ग्राफिक रेटिंग स्केल के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय की ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस थी. और ये ऊपर एक सिंपली एक स्केल दिया गया है एंड उसकी फर्दर एज सच कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है. So this is the graphic rating scale. The next is the behaviorally anchored rating scale, जिसे हम short form में bars भी कहते हैं. हमने graphic rating scale में देखा कि जो scale mention था उसकी कोई further description नहीं थी. Unsatisfactory हम किसे कहेंगे ये नहीं mention था, या outstanding हम किसे कहेंगे ये भी mention नहीं था. लेकिन जो हमारा bars है वो दो methods को combine करके बनाया गया है. एक है graphic rating scale, यानी कि कुछ ना कुछ ग्राफिकली रेटिंग हो रही होगी एम्प्लॉय की किसी स्केल के ऊपर. और जो सेकंड है दैट इज द क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, जिसमें हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को पर्टिकुलर या क्रिटिकल इंसिडेंट्स को मेंशन करके एवेल्युएट करते हैं. अब इसमें चूंकि ग्राफिक रेटिंग स्केल भी है तो इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस डायमेंशंस तो मेंशन होंगी, कोई ना कोई जॉब ट्रेट्स और बिहेवियर की लिस्ट, जो वो बिहेवियरल चेकलिस्ट है वो मौजूद होगी. और सेकेंडली उनको एक तो न्यूमेरिकली भी रैंक किया जाएगा, क्वांटिफायबल नंबर्स उन्हें दिए जाएंगे. फर्दर चूंकि इसमें क्रिटिकल इंसिडेंट्स को भी मर्ज किया गया तो कुछ ना कुछ नरेटिव इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है कि इस एम्प्लॉय को इस कैटेगरी में क्यों रखा गया है. अब ये चूंकि दोनों मेथड्स को कंबाइन कर रहा है तो ये ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव किस्म का मेथड बन जाता है. अब हम इसकी एक थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कि ये कैसे होगी. नाउ ये ग्रिड है और अगर चूंकि ये इसी तरह से है जैसे हमारा ग्राफिक रेटिंग स्केल था, और अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर मेंशन है 1, 2, 3, 4, 5 एक लिकर्ट स्केल दिया गया है. और इस तरफ हमारे जो फर्स्ट कॉलम आ रहा है उसमें हमारा मेंशन किया गया है लीडरशिप, मोटिवेट्स, गाइड्स एंड डायरेक्ट्स. यानी कि एक लीडर की ट्रेट्स हैं या बिहेवियर्स हैं जिन्हें मेंशन किया गया है हमारे फर्स्ट कॉलम में, और आगे उसको रेट किया गया है. 1 का आगे मतलब लिखा गया है शो रियल अंडरस्टैंडिंग और व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय रोल एंड क्लाइंट्स. नाउ दिस इज द इंसिडेंट मेंशन्ड ओवर हियर. अगर कोई एम्प्लॉय ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये इंसिडेंट
इंसिडेंट से ये बिहेवियर निकले और अगर ये बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो रेट हो रहा है एज अ वन. इसी तरह से अगर सेकंड में आ जाता है हेल्प्स कुलीग्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय रोल एंड क्लाइंट्स, तो इम्प्रूवमेंट सेकंड आगे स्केल पे आ जाती है, दैट इज टू. द थर्ड का मतलब है कि वो लीड्स एंड मोटिवेट्स द टीम अग्रीइंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि वो लीडरशिप स्किल इनहेंस होती जा रही है जैसे वो वन से फाइव में मूव कर रहा है. इसी तरह से अगर हम फाइव पे जाएं तो इसका मतलब है इंस्पायर्स एंड लीड्स द डिलीवरी ऑफ सर्विस डायरेक्शन. नाउ दिस शोज के एम्प्लॉय जैसे ही फाइव में जाता है स्केल में तो इसका क्या मतलब है कि वो अपने टीम मेंबर्स को इंस्पायर भी कर रहा है. लेकिन अगर वो वन पे रेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन और एक जनरल नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है जो अपने टीम मेंबर्स को दे रहा है. नाउ बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव मेथड, सो हम ये कह सकते हैं कि ये उधर यूज नहीं होगा जहां पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि इतनी इंसिडेंट्स को मेंशन करना और इतनी डिस्क्रिप्शन देना मुश्किल है. सो जितने भी मेथड्स हमने अब तक किए हैं दे आर इफेक्टिव, बट दे आर इफेक्टिव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्टिकुलर क्राइटेरिया. हो सकता है हर मेथड वहां ना चलता हो जहां बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हों, कुछ वहां चलते हों जहां पर टीम ओरिएंटेड हैं. ये मतलब कि कुछ ना कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे कोई एक जो मेथड है वो फिट इन होता है. वो क्या सिचुएशंस है इसके लिए आप अपनी बुक्स को जरूर कंसल्ट करें. एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बाय हर्मन जो है वो रिकमेंड की गई है आपके कोर्स में, उसको जरूर देखें. उसमें इन सिचुएशंस को भी मेंशन किया गया है जिसमें हर मेथड इफेक्टिवली यूज हो रहा है.